हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डेंसो के 6 पिन इंजेक्टर की टेस्टिंग के बारे में। तो ये इंजेक्टर हमारे पास आए थे, आप देख सकते हो। तो इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करना है, कैसे इसको देखना है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भाई को मशीन चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर हमने कपलर लगाया इसका, आप देख सकते हो। अगर ये कपलर चाहिए आपको मिल जाएगा। ये हमने रिटर्नल की पाइप लगाई है और ये यहाँ पर मेन पाइप लगाई है। अगर आपको ये सामान चाहिए तो मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने चैम्बर लगा दिया, इंजेक्टर को माउंट कर दिया पूरा। अभी हम चलाएंगे मशीन को, चेक करेंगे। तो देखिए, हमने मशीन पे लगाया है, MB108 मशीन है हमारी। किसी भाई को मशीन चाहिए तो मशीन मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इंजेक्टर का नंबर सेलेक्ट किया हमने, ये इंजेक्टर का नंबर है। और यहाँ से हम जो मशीन को है स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो मशीन अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। हमने ऐसी ड्राइंग बनाई है इसकी। तो देखिए, मशीन अपने आप चलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, इंजेक्टर हमने माउंट कर रखा है और यहाँ पे हमने एक नंबर चैम्बर लगा रखा है जो उसका, उसको ऑन कर देते हैं थोड़ा। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक, क्योंकि ये सिंगल चैनल का मशीन है तो हमने सिंगल चैनल इसमें ऑन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमारी सबसे पहले क्लियर का टेस्ट है इसका, उसके बाद लीक टेस्ट आएगा, फिर 12 का आएगा। तो देखिए, यहाँ पर टाइमिंग है इसका, जो टेस्ट 30 सेकेंड का टेस्ट चलता है, उसके बाद आगे लीक टेस्ट आएगा। तो कि जब तक हमारा यहाँ प्रेशर नहीं बनेगा तो यहाँ पे वो एरर आता रहेगा थोड़ा। देखिए, उसके बाद स्टेबिलिटी का, कि हमारा जो फ्लो मीटर होता है वो स्टेबल होना चाहिए, तो अपने आप स्टेबल कर लेती है। जैसे रीडिंग होती है हमारी, अप डाउन आती है, तो वो नहीं आएगी इसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग चल गया इसका। उसके बाद इसका अगला टेस्ट आएगा, और इसका जो फ्लो मीटर, इसमें 3 फ्लो मीटर है, मेन का अलग है, रिटर्न का अलग है और पंप का अलग है। तो यहाँ पर देखिए, आगे 12 का जो है टेस्ट शुरू हो गया है। यहाँ पे भी प्रेशर सेट हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा इंजेक्टर फायर करना शुरू करेगा। देखिए, यहाँ पे एक 1200 bar का प्रेशर बन गया है और यहाँ इसका टाइमर चल रहा है। यह भी स्टेबिलिटी है इसकी। देखिए, जब तक फ्लो अपना प्रेशर ठीक नहीं बनेगा तब तक फ्लो नहीं आएगा इसका। उसके बाद आगे दिखाते हैं। अगर कोई भाई मशीन लेने का चाहना तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा नंबर है 9356013001। सिर्फ हमारा यही नंबर है, उसके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों, हमारा VL और RR रिटर्न की, और 1600 bar पे प्रेशर है इसका। तो मेन डिलीवरी और रिटर्न डिलीवरी चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डिलीवरी आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे हमारा टाइमिंग चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 30 सेकेंड का दोस्तों ये टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी मेन रीडिंग आ रही है 97.5 के आसपास, और ये हमारी 5.6 के आसपास हमारी रिटर्न आ रही है। आप देख सकते हो इसका फ्लो मीटर, देख सकते हो आप, बिल्कुल स्टेबल है। ये नहीं है कि रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है, बिल्कुल पॉइंट में फ़र्क पड़ रहा है। एकदम नहीं है कि एकदम 40 हो जाएगी या एकदम 60 हो जाएगी, वो भी चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल स्टेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लो मीटर में। और ये हमारा टेस्ट चल रहा है, ये फुल और डिलीवरी है हमारी। उसके बाद अगली डिलीवरी वो भी चेक करेंगे। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर TL टॉर्क ऑफ लोड आ गया हमारा, किसी में इमेशन होता है, किसी में TL होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रेशर बनेगा। पहले प्रेशर बनने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर प्रेशर बन गया 1000 bar का, और हमारा स्टेबिलिटी है यहाँ पे, जो फ्लो होता है वो स्टेबल हो जाता है, उसके बाद ही रीडिंग आना शुरू होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा टाइमर चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा इमेजन पॉइंट आ रहा है 19.3, आप देख सकते हो यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो फ्लो मीटर है बिल्कुल बढ़िया है, आप देख सकते हो बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पर, कोई रीडिंग कम ज़्यादा नहीं है। कि काफ़ी सिस्टम होते हैं जिसमें रीडिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। और यहाँ हमारा टाइम है। उसके बाद हमारा LL लो लोड यानी आइडलिंग, अगली डिलीवरी आएगी हमारी। तो यहाँ पे देखिए, इस RPM में मशीन के जो अपने आप चेंज होते रहते हैं चार्ट के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से। तो ये हमारा LL का रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हो 11.7 हमारी जो LL है, लो लोड है, वो आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी डिलीवरी आ रही है। उसके बाद दोस्तों, अगली डिलीवरी आएगी, उसको चेक करते हैं। VE पायलट इंजेक्शन होता है जो हमारा, उसकी डिलीवरी आएगी। तो यहाँ पे देखिए, 2.5 के आसपास हमारी डिलीवरी आ रही है। फ्लो मीटर देख सकते हो बिल्कुल स्टेबल है, ये नहीं कि कम ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल जितना है उतना ही बता रहा है। आगे NOP नोजल ओपनिंग प्रेशर आप चेक करना हो, चेक कर सकते हो, उसको क्लोज करना हो, बंद करना तो बंद भी कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा इंजेक्टर चेक हो गया, उसके बाद इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिल्कुल ओके रिपोर्ट आती है, मशीन अपने आप बंद हो, जैसे टेस्ट पूरे हो जाएंगे मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो इसकी रिपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारी रिपोर्ट आई है, जो इंजेक्टर हमारा लगाया था बिल्कुल ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बाकी इसका सेंसर वगैरह वो भी मशीन खुद ही चेक कर देती है। तो ये इस तरीके से हमने 6 BS6 का, जो हमारा 6 पिन का इंजेक्टर होता है, वो चेक किया हमने।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मशीन लेने के हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। MB108 मशीन है हमारी।